तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि यार पूरे 21 दिन के लिए लॉकडाउन हो रखा है, तो मैंने सोचा यार कुछ पतंगे ले आता हूँ छोटी, क्योंकि मेरे पास पतंगे ख़त्म हो गई थी। और मैंने सोचा कुछ मंजोली पतंग ले आऊँगा, रद्दी ले आऊँगा, लेकिन यार इतने हाई रेट हो गए हैं पतंगों के आजकल, मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैंने सोचा आप लोग के लिए वीडियो बना देता हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ भाई, ये कुछ पतंगे लेकर आया हूँ मैं, ज़्यादा नहीं है ये देखिए, बस इतनी है, ये पटेदार हैं सारी पतंगें। सिर्फ मैं ये 20 ही पतंग लेकर आया हूँ अभी तो। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सुबह सुबह थोड़ा मतलब टाइम दे रहे हैं सामान लाने के लिए 10 बजे तक, तो उस समय मैं जाके ले आया था। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जिस दुकान से मैं पतंगे लाता हूँ, तो यार उनकी तो दुकान थी बंद और पतंगे तो हमें लेनी थी और कोई दुकान खुली नहीं थी, तो एक घर से मैं लेकर आया हूँ। और बहुत ही महंगा सामान दिया यार उन्होंने। तो सबसे पहले मुझे सद्दी भी भरवानी थी यार, तो आप सद्दी देख सकते हैं भाई, ये पतली वाली सद्दी मैंने भरवाई है, हाई फ्लायर की सद्दी। ये सद्दी जो 90 रुपये की आती है 2 रील, उन्होंने मुझे दी है 120 रुपये की 2 रील। तो आप देख सकते हैं, मैंने कहा भाई ये तो बहुत महंगी है, तो कह रहे नहीं भाई यही रेट चल रहा है। अब क्या कह सकते हैं यार, आपकी मजबूरी है। और मुझे मोटी भी भरवानी थी, फिर मैंने मोटी नहीं भरवाई। ये देखिए मोटी जो 120 रुपये का है, वो दे रहा हूँ वो 160 रुपये का। तो यार लूट मचा रखी है एकदम। और एक ही दुकान खुली थी यार, मतलब कोई दुकान भी क्या, वो घर से ही सामान दे रहे थे, तो सिर्फ मैं वहाँ से सद्दी ले आया। और फिर मैंने सोचा कि पतंगे भी लेते हैं, तो पतंगे जब मैंने देखी वहाँ पे मंझोली पतंग, तो मंझोली पतंग वो दे रहे हैं 4.5 रुपये की, और एकदम इतनी बेकार पतंग थी यार, क्या बताऊँ मैं। तो फिर मैं खाली उनकी दुकान से सद्दी भरवा के लाया। और जो आप ये वाली पतंग देख रहे होंगे, ये पटेदार जो आप पतंग देख रहे हैं, ये मैं एक गोदाम है मेरी तरफ, तो मैं फिर उधर से लेकर आया हूँ। और ये भी पतंग उन्होंने थोड़ी मुझे महंगी दी है, ये मुझे 6 रुपये की उन्होंने पतंग दी है, और ये बिन छिली हुई है। और मैं पतंग आपको एक बार दिखा दूँगी, और कैसी पतंग है, बहुत ही बेकार पतंग है, मतलब सही है यार आप उड़ाने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं ठड्डे देखो कितने मोटे हैं, ये देखिए आप। और एक दो मैं आपको और दिखाता हूँ, और उन्होंने मुझे कुछ इसमें, ये देखिए नीचे दिखाऊँ तो ये देखिए फटी पतंग भी थी सब ऐसी, मतलब उठा के दे रहे थे, और जल्दी जल्दी छाटने का मौका भी नहीं दे रहे थे। ये देखिए ठड्डा देखो आप, इतना मोटा ठड्डा है कि पतंग उड़ भी नहीं पाएगी, अगर ज़्यादा ज़ोर से मोड़ दिए तो टूट जाएगी, ये देखो देख रहा होगा आपको। और नीचे वाली पतंग है, ये चौक तो पूरा ही ख़राब है, ये देखो ठड्डा देखो, मुड़ ही नहीं रहा, ज़्यादा ज़ोर से मोड़ोगे तो टूट जाएगा। तो मैंने सोचा यार आप लोग के लिए वीडियो बना देता हूँ, और आपको बता देता हूँ कि भाई क्या रेट चल रहे हैं पतंगों के इस समय। तो ये देखिए, और मैं आपको दिखा दूँ तो सारी पतंग जो हैं, ये जितनी पतंगें लाए हूँ मैं सारी पट्टेदार में लाया हूँ, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए सब पट्टेदार हैं। अब मैं एक, ये देखिए पहले ये देख ली सारी पट्टेदार हैं, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अगर आप फैंसी पतंग मांगेंगे, तो यार फैंसी पतंग तो वो दिखाई नहीं रहे हैं। अब ये देखो, ये पहले की मेरे पास फैंसी पतंग रखी है, अब ये देखो भाई, ये मेरे 7 रुपये में पड़ी है। अब 7 रुपये में देखो कितनी बढ़िया पतंग है ये। और नीचे भी मैं अगर आपको दिखाऊं, तो ये कुछ पहले की पतंग है मेरी, मैं ब्लैक वाली आपको दिखाता हूँ। तो ये पतंग देखो यार, इसमें फिनिशिंग भी है, पतंग में काम अच्छे से करा गया है। ये 7 रुपये में आपको कितनी बढ़िया पतंग मिल रही थी लॉकडाउन से पहले, और अब लॉकडाउन के बाद देखो यार ये 6 रुपये में। वैसे ये महंगी नहीं है 6 रुपये में, लेकिन तब भी यार 7 रुपये में इतनी बढ़िया मिल रही थी, अब 6 रुपये में ऐसी पतंग मिल रही है, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। अब देखो आप पतंग, आप खुद ही देख सकते हो भाई दोनों में कितना डिफरेंस है। तो यही है यार, अब मैं ले आया, क्योंकि आप लोग भी कह रहे थे कि हाउ टू कट अदर काइट का सेकंड पार्ट बनाओ, तो वो भी आपको एक दो दिन में मिल जाएगा, तो इसलिए मैं ये पतंग ले आऊँ। और आप लोग भी मुझे कमेंट करना कि भाई आप लोग की तरफ क्या रेट चल रहा है इस समय पतंग के। और भाई मेरी तरफ तो यह है, मैंने बता दिया, और मुझे मांझा भी चाहिए था, लेकिन वो रेट थोड़ा हाई बता रहे थे, इसलिए मैं नहीं लेकर आया हूँ अभी, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा पहले का मांझा बचा है, फिर जब ख़त्म होगा तो देखते हैं फिर आगे क्या करना है। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।